क्या गवर्नमेंट कोई और चला रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। छोड़ दे, कौन छोड़ दे, इमरान खान वजीर आजम क्यों बना हुआ है फिर, हमारे सर पे क्यों बैठा है, क्यों बड़ी बड़ी बातें करता है, क्यों हमें हौसले देता है। बात नहीं करने दो, पर अपनी बात करो आप। जेड़ा आ गया खा के चले गया, उनके पड़े गए ने हूँ, इमरान खान गलत हो गया। फड़न वाला कोई नहीं आया, पहली दफा तो आया बंदा कोई फड़न वाला, कोई मुल्क ने सुनाने वहां से आया। देखो ना, सॉरी टू से, आपको नहीं लगता ये सारे मिल के हमें ट्रक की बत्ती पीछे लगा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। इमरान खान कहता था NRO नहीं दूंगा, नवाज शरीफ को नहीं जाने दूंगा, नवाज शरीफ जा रहा है। नवाज शरीफ ने कहा था मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा, वो भी जा रहा है। मौलाना ने कहा था धरना तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इस्तीफा नहीं लूंगा, इस्तीफा भी नहीं लिया, वो भी छोड़। आपको नहीं लगता ये मिक्स मिसाला बन, एक खिचड़ी बनी है ये, सारे कटे ने कौन, सारी जमातें कटिया ने, अंदरों एक ने, अंदरों एक ने, सानू बेवकूफ, असि बेवकूफ बने हैं, असि महंगाई दे विच पीसदे पे हैं। टमाटर 300 रुपया किलो जे हैं, हर चीज ते महंगाई है, जो हुकूमत आती महंगाई, महंगाई कर रही है। कुछ नहीं महंगा हुआ, सब कुछ महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। हाँ जी, जो खरीदने जाते हैं ना उनको पता है कि महंगा हुआ है, सांस लेना भी मुश्किल हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कहीं सवाल जो आज का मेरा जी, इमरान खान साहब कहते थे नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दूंगा, फजल रहमान कहता था धरना दूंगा, इस्तीफा लेके उठूंगा, ये सब डीले हो गई है अंदर खाते, ये जो खलाई मखलूक है ना उसने सब डील कर ली है, ये अंदर से सब डीले शीले हो गई है, उसके बाद ये सब NRO नहीं दूंगा, आज उन्होंने NRO भी दे दिया, सब कुछ हो गया, सारे आपस में मिले, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमें ट्रक की बत्ती भी, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, आपस में एक एक ही कुछ है। यार इमरान खान ने थोड़ी ना NRO दिया, ये तो अदालत ने फैसला किया है ना भाई इमरान, और आप महंगाई महंगाई की बात करो, क्या 35 साल पहले कोई महंगाई नहीं हुई यार, एक 35 साल PTI ने और कोई गाल नहीं है, टाइम दो 35 साल, टाइम दो 35, भाई कह रहे हैं अगर उन्होंने महंगाई की ये तो हम पे रहम करे यार, तो डेढ़ साल ही चीखा निकल रहा है। अच्छा नहीं NRO नहीं तो फिर कहता क्यों नहीं, क्यों ऐसी मैं NRO नहीं देंगा, अगर वो नहीं दे सकता तो नारा क्यों मारिया, नहीं क्यों क्या उन्हें NRO नहीं देंगा, उनका उनके वास नहीं थी यार, तो अदालत ने फैसला किया, अदालत ने फैसला कर, अदालत ने ही करना सी, कहता ना सानू असि ना उम्मीद रख के बंदे के चोर बाहर जाएगा, अदालत तुहाडे खिलाफ फैसला करे ते अदालत दे फैसले सही नहीं होंदे, जे ओ तुहाडे हक च फैसला करदे ते फिर अदालत दी मदद, मैं तो अदालत दा जिक्र ही नहीं कर रहा, मेरे गल मैं कह रहा कि नारा उन्हें क्यों मारिया, उसने क्यों कहा था कि NRO नहीं मिलेगा, मैं मर जाऊंगा NRO, अब क्या हुआ है, तो रोकता ना वजीर आजम है या नारा ना मारता, इधर आके बात कर यार, जो मैं कहूंगा आप नशर भी करने के काबिल नहीं रहोगे, आप नशर भी नहीं करोगे, नशर करोगे, नशर करोगे, करोगे वादा है पक्का। असल में जो डील हुई है, नवाज इमरान खान पहले कहता था कि NRO मैं नहीं दूंगा, उसने जो ये बात की कि मैं NRO नहीं दूंगा, आप उस वक्त कहते जब मुशर्रफ बाहर चला गया, आप उस वक्त कहते जब मुशर्रफ बाहर चला गया, आप कहते मैं अपने घर, नवाज शरीफ चला गया तो आप आ गए, मैं घर था अपने, जब नवाज शरीफ बाहर चला गया तो आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया, आप जब नवाज शरीफ बाहर गए तो आपने कोई प्रोग्राम किया, ये अजीब बंदे आप मीडिया वाले भी, आप हमारे साथ रहते हैं, नहीं आप हमारे साथ, जब नवाज शरीफ बाहर गया तब भी प्रोग्राम हुए, जब नवाज शरीफ आया तब भी प्रोग्राम हुए, जब मुशर्रफ बाहर गया तब भी हुए, जब वो वापस आया तब भी हुए, मीडिया को कर रहे हो ना, हमने हर बात पे प्रोग्राम किया, मैं तुझे दिखा देता हूँ, बात तुम ऐसे करो, तब तुम किधर थे, मैं इधर ही था, सुनाओ तुम्हारी बात का जवाब दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, इसने जो बात की NRO नहीं दूंगा, असल में इमरान खान गवर्नमेंट ही नहीं चला रहा, क्या गवर्नमेंट कोई और चला रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, छोड़ दे, कौन छोड़ दे, इमरान खान वजीर आजम क्यों बना हुआ है फिर, हमारे सर पे क्यों बैठा है, क्यों बड़ी बड़ी बातें करता है, क्यों हमें हौसले देता है, बात नहीं करने दो, अपनी बात करो आप, मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, आप जो कह रहे हो कि आप उस वक्त कहा थे, आप किसी एक एस्टेब्लिशमेंट का, आप किसी इदारे का नाम नहीं ले सकते, आप सिर्फ पॉलिटिशियन के पीछे पड़े हुए, एक इदारे की आप बात ही नहीं कर सकते, उसके पीछे जो पड़ा हो उसकी बात आप नहीं कर सकते, इमरान खान को क्या है, अब आप इस तरह करो, आप जुल्फी बुखारी बाहर चला गया है और नवाज मुशर्रफ साहब बाहर चले गए, आपने इसमें कोई प्रोग्राम नहीं किया, अब जब एक पॉलिटिशियन जाता है किया तो उसने जो अगर किया प्रोग्राम तो इसको अगर प्रोग्राम किया तो तुमने कह रहे हो ना मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो प्रोग्राम की, मैं कह रहा मैंने प्रोग्राम किया, ठीक है आपने प्रोग्राम किया, लेकिन आपने इस तरह का आवाज नहीं लगाया जिस तरह के नवाज शरीफ ने कहा, अगर 1500 प्रोग्राम दिखा दूं कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं, सारा कुछ हुआ तो आपको सारा बताया, नहीं नहीं देखा ही नहीं तो ना मेरे पे इल्जाम ना लगा, मेरे भाई मेरी बात सुन, नहीं वजीर आजम अगर उससे नहीं चला सकता मुल्क, उसको लगता है कोई और चलाए, छोड़ दे, इसमें उसकी इज्जत है इमरान खान की कि मैं छोड़ दूं यार, मुझसे ये नहीं चलता, मेरे यहाँ पे बात नहीं मानी जा रही, इमरान खान की बात ही नहीं हो रही, किसकी हो रही, अभी तुमने कहा इधर इमरान हुकूमत नहीं चला रहा, कोई और चला रहा है, इमरान खान की बात ही नहीं कर रहे, वो इसकी बस की बात ही नहीं क्यों गवर्नमेंट को चलाए, तो फिर वही मैं कह रहा हूँ छोड़ दे, नहीं बस में तो यार जो आप महंगाई का उसको ब्लेम कर रहे हो, आप जो कर रहे हो कि महंगाई उसने लाई है, उसने नहीं लाई,
जिसने उसको लाया आप उसको ब्लेम करो। ब्लेम हम उसका करें, हम उसको करेंगे वो बातें कर। सुनो मेरी बात, जो सिलेक्टर से आप सिलेक्टर को ब्लेम करो, आप सिलेक्टर जो है इसको ब्लेम ना करो। अब सुन लो मेरी, तुम जो बात करे ना, अगर उसने न की महंगाई तो वो बीच में से निकल जाए, मान ले कि यार महंगाई मैंने नहीं की, किसी और ने की है, ताकि हमें पता तो हो ना कि उसने नहीं महंगाई की। छोड़ दे ना सीट, किसी और का बिठा दे, जो महंगाई कर रहे हैं ना उसको सीट पे बिठा दे। आपको इस चीज का नहीं पता कि इसको किसने लाया? मोड़ो जो लेकर ना ना करे यार हुकूमत, हम तो उसकी तरफ देख रहे हैं ना, मेन बात वो है ना यार, खुदा का वास्ता। नाज़रीन आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, ये खप डली रहनी है, ये सारी कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है, ये सारे हमें मिलके सियासतदान बेवकूफ बनाते हैं, हम आवाम बेवकूफ बनते हैं। खुदारा थोड़ा सोचने की कोशिश करें, हम ऐवें ही वोट डाल देते हैं, ऐवें ही नारी मारे रखते हैं, ये जब दिल करता है बाहर चले जाते हैं, ये अमीर होते चले जा रहे हैं, हम गरीब होते चले जा रहे हैं, हमारा मुल्क कर्जे में डूबता जा रहा है और इनके करोड़ों रुपए, इनकी प्रॉपर्टी, इनके पेट्रोल पंप, इनकी मिलने, इनके हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तब्दीली आएगी।